अश्विनी शहर में श्रेणी क्रमांक एक पशु अस्पताल होने के बावजूद यहां पर उचित सुविधा नहीं होने से पशुपालन परेशानी का सामना कर रहे हैं। पशु अस्पताल की ओर ना तो जनप्रतिनिधि ना ही अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से यहां पर परिचारक इस पशु अस्पताल को जैसे तैसे चला रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही पशु मालिकों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। किसानों के पालतू मवेशियों के स्वास्थ्य के प्रति जिला परिषद पशु विभाग के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। यह जो चिंता का विषय है, आज किसानों को अपने मवेशियों को उचित इलाज करवाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वही जहां वहां आधुनिकीकरण में होड़ लगी हुई है, वही यहां के पशु चिकित्सालय पिछड़ता जा रहा है। पार्षद ने पशु चिकित्सालय की पहले से ही अधिकारी की कमी होने के बावजूद अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव, जन जागृति की कमी, वैद्यकीय विशेषज्ञों की कमी और उसमें भी रिक्त पद होने के बावजूद इस ओर अनदेखी की जा रही है। इसी कारण पशुओं की संख्या में कमी आ रही है। कुछ अस्पतालों में कंपाउंडर, चपरासी मवेशियों का इलाज करते दिखाई दे रहे हैं, जहां पशुओं पर औषधोपचार, शस्त्रक्रिया, कृत्रिम रेतन, साथी के रोग, लसीकरण की जिम्मेदारी वैद्यकीय अधिकारी के होने के बावजूद यहां पर पशुधन विकास अधिकारी की 3-4 साल से पद रिक्त होने के बावजूद नियुक्ति की गई है। आखिरकार अधिकारी नहीं होने से अन्य कर्मचारी के द्वारा टीकाकरण करने की नौबत आई है। जब पशु गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तब पशु चिकित्सालय अधिकारी नहीं होने से अनेकों पशुओं को अपनी जान इलाज नहीं होने से गंवानी पड़ रही है। पार्षणी पशु चिकित्सालय की खस्ता हालत के बारे में जिला परिषद सभापति तापेश्वर वैद्य को इस बारे में जानकारी दी, पर सभापति तापेश्वर वैद्य इस ओर ध्यान नहीं देकर अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। ना ही यहां पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ना ही रिक्त पशु वैद्य के अधिकारी का रिक्त पद होने के बावजूद यहां पर अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसी वजह से यहां के पशु मालिक और किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। पशु वैद्य के अधिकारी राहत हुए आणि त्या ठिकाणी एक सीरियस पेशंट आलेला होता, मी माझं वासरू होतं एक गाईचं, त्याचं सिरियस होता पण त्याला वेळ झाला आणि शेवटी ते डॉक्टरला फोन लावलो, परेशान झालो, स्वतः मी फोन लावला मॅडमला आणि त्याच्यानंतर ते मॅडम त्या कोणत्या तरी सहारे म्हणून आहे त्यांना पाठवलं आणि त्यांनी ते औषधी इंजेक्शन दिले, परंतु तो बच्चा वाचू शकला नाही आणि नेहमीच या दवाखान्यामध्ये हजर राहत नाही। कुठं कार्यक्रम आहे, कुठं कॅम्प आहे, पण अजूनही माझ्याही गावात अजूनही कोणताही कॅम्प त्यांनी अजून घेतलेला नाही आणि जनावरावर बिमारी आहे, तरी कृपा करून शासनानं याच्याकडे लक्ष द्यावं एवढी मी विनंती करतो। धन्यवाद। BCN News के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।